नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की T20 सीरीज का पांचवा व अंतिम T20 मुकाबला 2 फरवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे से माउंट मंगनुई के बे ओवल के मैदान पर खेला जाना है। और फाइनली इस महा मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। और इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी टीम है खतरनाक, कौन सी टीम इस महा मुकाबले को जीत सकती है और क्या बड़े बदलाव हम इस मुकाबले के दौरान भारत की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। इन सभी के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बात करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस T20 सीरीज में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप करके हराए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इन पांच मैचों की T20 सीरीज के 4 T20 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं और चारों ही T20 मुकाबलों में टीम इंडिया ने बहुत ही रोमांचक जीत दर्ज की थी। पहले 2 T20 मुकाबले ऑकलैंड के मैदान पर खेले गए थे, जहां पर टीम इंडिया ने दोनों ही मुकाबलों में बहुत ही शानदार तरीके से चेस करके जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ तीसरा और चौथा T20 मुकाबला हैमिल्टन और वेलिंगटन के मैदान पर खेला गया था, जहां पर दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को पूरी तरह से हराया और फिलहाल 4-0 से लीड हासिल कर रखी है। और यहां पर पांचवा T20 मुकाबला भी काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया की नजरें यहां पर क्लीन स्वीप की तरफ रहने वाली है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम यही चाहेगी कि वो किसी ना किसी तरह से इस क्लीन स्वीप से बच जाए। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले उन 3 बड़े बदलाव की जो इस मुकाबले के दौरान हमें भारत की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। तो पहला बदलाव यहां पर भारत की ओपनिंग में होने वाला है। पिछले मुकाबले से रोहित शर्मा को आराम दिया गया था, लेकिन यहां पर अब फिलहाल टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर रहने वाली है। तो थोड़ी अग्रेसिव टीम के साथ भारतीय टीम उतरने वाली, तो रोहित शर्मा की यहां पर फिर से भारत की प्लेइंग 11 में वापसी होती हुई दिखाई देने वाली है। यानी केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा हमें 5th T20 मुकाबले में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, तो यह बदलाव हो सकता है मिडल ऑर्डर में ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत को अभी तक इस T20 सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है। पिछले 4 ही मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए विकेट कीपिंग केएल राहुल ने की है, जिसके चलते ऋषभ पंत को खेलने का चांस नहीं मिला। और यहां पर ऋषभ पंत के सामने एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी उनको इस मुकाबले में मिल सकती है। और हो सकता है कि पिछले मुकाबले में जिस तरह से संजू सैमसन को भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिला, उसी तरह से ऋषभ पंत को भी यहां पर भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिले। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो यह बदलाव हमें भारत के बॉलिंग लाइनअप में दिखाई दे सकता है। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड में जाकर भारतीय स्पिनर्स ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया है। रविंदर जडेजा, युजवेंद्र चहल सभी ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो अभी तक बेंचेस पर ही बैठा है, उसका नाम है कुलदीप यादव। और 4 T20 हो चुके हैं, अभी तक प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है। तो हो सकता है कि यहां पर इस T20 मुकाबले में युजवेंद्र चहल की जगह पर कुलदीप यादव को भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं इस महा मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। तो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे मार्टिन गुप्टिल के साथ कोलिन मुंड्रो। नंबर 3 पर आएंगे कप्तान केन विलियमसन। नंबर 4 पर रोस टेलर। नंबर 5 पर टीम साइफर्ट। नंबर 6 पर कोलिन डी ग्रैंड होम। नंबर 7 पर मिचेल सेंटनर। नंबर 8 पर टीम साउदी। नंबर 9 पर स्कॉट कुगलिन। नंबर 10 पर इसोडी और नंबर 11 है पर हामिस बेनेट। तो कुछ ऐसी होने वाली यहां पर इस मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। वहीं हम भारत की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल। नंबर 3 पर आएंगे कप्तान विराट कोहली। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पर संजू सैमसन। नंबर 6 पर ऋषभ पंत। नंबर 7 पर रविंदर जडेजा। नंबर 8 पर नवदीप सैनी। नंबर 9 पर मोहम्मद शमी। नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल या फिर कुलदीप यादव को एक खिलाड़ी खेलने वाला है। और नंबर 11 पर आएंगे जसप्रीत बुमराह। तो कुछ ऐसी होने वाली यहां पर इस महा मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11। बहुत ही तगड़ी टक्कर हमें यहां पर माउंट मंगनुई के मैदान पर देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 5-0 से हरा पाएगी? इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.